शासक किम जोंग उन की खास ट्रेन है। किम जोंग उन इसी ट्रेन से मंगलवार सुबह रूस पहुंचे हैं। जितनी चर्चा किम जोंग उन की रूस यात्रा की हो रही है, उससे ज्यादा किम जोंग की ये बख्तरबंद ट्रेन सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है कि किम जोंग संभवतः इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी दूसरे देश की यात्रा हवाई जहाज की जगह ट्रेन से ही करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रेन आम ट्रेनों से कितनी अलग है और इतनी खास क्यों है। 20 बुलेट प्रूफ कारें और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में तैनात जवान इस ट्रेन को एक औसत ट्रेन से कई गुना भारी बना देते हैं। यही वजह है कि ट्रेन की अधिकतम रफ्तार सिर्फ 59 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी रफ्तार किसी चार पहिया वाहन से भी कम है। यही नहीं, इस ट्रेन की सुरक्षा में तैनात जवान ट्रेन के रूट और उसके बीच में आने वाले स्टेशनों की बम और अन्य खतरों को लेकर जांच पड़ताल करते हैं। किम की इस खास ट्रेन का नाम ताई यांग हो है। यह शब्द सूर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला कोरियाई शब्द है। इसे उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग से भी जोड़ा जाता है। सवाल ये भी है कि किम जोंग उन विदेश यात्रा ट्रेन से ही क्यों करते हैं। दरअसल ट्रेन से लंबी दूरी की यात्राएं करने का रिवाज किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने शुरू किया था। वो वियतनाम और पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा पर अपनी खास ट्रेन से ही जाते थे। फिर इस परंपरा को किम जोंग के पिता किम जोंग इल के शासनकाल में भी जारी रखा गया, क्योंकि उन्हें हवाई यात्राओं से डर लगता था। उन्होंने पुतिन के साथ बैठक के लिए 2001 में मॉस्को के लिए 10 दिन की यात्रा की थी। उस यात्रा में रूसी सैन्य कमांडर कॉन्स्टेंटिन पुलिकोवस्की किम जोंग इल के साथ थे। उन्होंने अपने संस्मरण ओरिएंट एक्सप्रेस में इस ट्रेन के बारे में विस्तार से बताया है। वो लिखते हैं, इस ट्रेन में आप रूसी, चीनी, कोरियाई, जापानी और फ्रांसीसी व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन ऑर्डर कर सकते हैं। पुतिन की निजी ट्रेन में भी किम जोंग इल की ट्रेन जैसा आराम नहीं था। नवंबर 2009 में दक्षिण कोरिया के रूढ़िवादी अखबार चोसुन इल्बो ने दावा किया था कि बख्तरबंद ट्रेन में करीब 90 गाड़ियां थी। पीली पट्टी वाले हरे रंग के इस ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, दर्शक कक्ष और बेडरूम भी थे। उसमें ब्रीफिंग के लिए सैटेलाइट फोन और टीवी भी लगाए गए थे। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक साल 2011 में ट्रेन के इंजन में यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से किम जोंग इल की मौत हो गई थी। वहीं किम ने मार्च 2018 में चीन की राजधानी बीजिंग की यात्रा ट्रेन से की थी, लेकिन शहर के अंदर यात्रा करने के लिए उन्होंने अपनी पसंदीदा मर्सिडीज बेंज एस क्लास का इस्तेमाल किया था। दक्षिण कोरिया के अखबार जोंगंग इल्बो के मुताबिक यह कार खास तौर पर ट्रेन पर लाद कर लाई गई थी। विदेश की यात्रा से इतर देश के भीतर किम जोंग उन को बस से यात्रा करना भी पसंद है। अपनी पत्नी री सोल जू के साथ वो बस यात्रा करते हुए कई बार देखे जा चुके हैं। इसके अलावा किम जोंग उन छोटी दूरी की यात्राएं नाव से भी करते हैं।